कैसे करना, उसका प्रात्यक्षिक अनुभव आप लोगों को भूपिंदर जी करवाएगी स्माइल ब्रीथ के साथ। मेरा तहे दिल से सबको प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इस एसोसिएशन को जिसने मुझे मौका दिया स्माइल के बारे में बोलने के लिए। अगर हम स्माइल के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंसान स्माइल करते हैं? क्या लगता है आपको? लिप स्माइल देखी आपने तो हमको लगा कि सिर्फ इंसान स्माइल करते हैं। ऐसा नहीं है, सूरज भी स्माइल करता है, चांद तारे भी स्माइल करते हैं, फूल पत्तियां जानवर पंछी सब स्माइल करते हैं। सिर्फ इतना है कि उनके लिप के कोने नहीं है। सूरज स्माइल करता है, उसका लिप नहीं है। स्माइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर लिप के कोने ले जाएं। स्माइल का मतलब जो गुरुजी ने हमें बताया कि रिफ्लेक्ट योर परफेक्शन, अनकंडीशनल अनकंडीशनल सुंदरता स्प्रेड करना। सूरज तो आंधी आए तूफान आए वो अपनी रोशनी हर पल देता है, हर पल स्माइल करता है, वो अपनी परफेक्शन को एक्सप्रेस करता है। फूल देखिए, आप उसको काट दीजिए तब भी वो मुस्कुराता है, लेकिन हमारी स्माइल, हमारी स्माइल इंसान को सबसे उत्तम कोटि की स्माइल मिली। इतने ब्यूटीफुल ईश्वर ने हमारे फेस पर एक मसल सिस्टम को इम्प्लांट किया ताकि हम इस स्माइल को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन हम उसको भी यूज नहीं कर पाते हैं। हमारी जो स्माइल है आज की दौर पर ये डिपेंडेंट होती जा रही है। जब हमें कोई तारीफ करता है तो हमें स्माइल आती है, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें स्माइल आती है, जब हम कुछ ऊंची पदवी प्राप्त करते हैं तो हमें स्माइल आती है, अदरवाइज हमारी स्माइल बिल्कुल विलीन हो जाती है। ऐसी है क्या स्माइल? इसी को कहते हैं कि रियल स्माइल। हमारे गुरुजी ने इस स्माइल के बारे में बहुत गहराई से बताया। ऐसी स्माइल जिसको आपने माँ के गर्भ में रिसीव किया। जब आप माँ के गर्भ में थे आपने तब भी स्माइल किया था। क्या तब आपको बताया जाता था कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा या आपको तारीफ दी जाती थी? आप तो वैसे ही स्माइल करते थे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये स्माइल, ये रियल स्माइल है। हम इस स्माइल से बहुत दूर हो गए, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ गुजर गया। जब माँ के गर्भ से बाहर आए, हम परिवार में आए, फिर परिवार की बातें और परिवार के दुख सुख हमें घेरने लगे और हमारी स्माइल, स्माइल तो रही लेकिन वो एक सोशल स्माइल में कन्वर्ट हो गई। अभी भी स्माइल करते हैं, अभी भी हंसते हैं, लेकिन वो बात कहाँ जो इस न्यूली बॉर्न बेबी में थी। फिर हम स्कूल में आए, स्कूल में फिर से हमें बातें सिखाई गई, पढ़ाया गया और फिर से कई तरह के सिचुएशन आए जिससे हम स्ट्रेस से घिरे और फिर हमारी स्माइल और दूर होती चली गई, और दूर होती चली गई। फिर उसके बाद हम कॉलेज में आए, हमारी शादी हुई, ऑफिस गए, नौकरी की, समाज में आए और फिर हम सामाजिक अवस्थाओं से गुजरते चले गए और कभी कभी हमारी स्माइल के ऊपर आर्टिफिशियल स्माइल की लेप चढ़ने लगी। कितनी दूर हो गए हम, कितने दूर हो गए हम। आज भी हंसते हैं लेकिन वो स्माइल नहीं, सिर्फ फेक स्माइल, सोशल स्माइल। हम दूसरों को लुभाने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने लिए तो कभी हंसे ही नहीं। कभी सोचा क्या बाथरूम के अंदर नहाते समय क्या आपको स्माइल आती है? अपने लिए जब आप रसोई में खाना बनाते हैं तो क्या आपको आती है स्माइल? नहीं, हम मोहताज हो गए और यहीं से हमारी सफरिंग शुरू होती है। हम अपने कोर से दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। वो कोर जो हमारे अंदर है, जो हमारा सोर्स है, जो हमारी पावर है,
हम उससे दूर होते चले गए। उसने आपको बनाया, मां के भ्रूण में, मां के गर्भ में आप आए। कैसे बन गए आप? कैसे उसने आपको संरचना किया? ये एक बहुत ब्यूटीफुल वंडर है, मायरेकल है। एक छोटे से सेल से आप एम्ब्रियो बन गए, तो ये पावर कहाँ है? हम तो बाहर ढूंढते हैं पावर को। बाहर है पावर, हर जगह है, लेकिन सोर्स तो अंदर है। किसने आपको बना डाला? एक सेल से आपका चेस्ट, एब्डोमन, हेड, आर्म, लेग सब बन गए। तो ये पावर आपको कभी नहीं छोड़ती है। जब आप माँ के गर्भ में थे, तब से ये पावर आपके साथ है, लेकिन हमने पहचाना नहीं। आज आपके अंदर दिल धड़कता है, आप सांसें लेते हैं, आप देखते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही व्यवस्थित रूप से काम करता है। कौन करता है ये? क्या जाना हमने? शब्दों से हम सब जानते हैं, नॉलेज तो इतनी ज्यादा है, विज्ञान हमें मालूम है, लेकिन कोर का एहसास नहीं। आपका परसेंटेज रियलाइजेशन का वो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ कभी किताबी रूप में जाना या सिर्फ शब्दों से जाना कि वो हमारे अंदर है, तो कहाँ पर है वो, किधर है वो, कौन हमारी सांसों को चलाता है? वो सांस, वो ब्रेथ छूट जाए तो आत्मा छोड़ के चली जाती है, या आत्मा छोड़ के चले जाए तो सांस छूट जाती है। कौन हमारे फेफड़ों को चलाता है? कौन, किसकी वजह से हम देख पाते हैं, सोच पाते हैं? ये अंदर, हमारे अंदर वो क्रिएटर और ऑपरेटर जिसने हमें बनाया, वो हमारे अंदर जो हमें चला रहा है, जो इस दुनिया को चला रहा है, वो हमारे अंदर। लेकिन हमारी अवेयरनेस वहां तक जाती नहीं। हमारी अवेयरनेस मार्केट में जाती है, शॉप में जाती है, ज्वेलरी शॉप में जाती है, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर, बहुत बढ़िया जानी चाहिए, लेकिन अंदर, अंदर भी जाना चाहिए, क्योंकि सारी पावर तो वहीं से आई। इस दुनिया में जो भी ब्यूटीफुल वंडरफुल संरचनाएं, आविष्कार आपने देखे, वो सब अंदर से ही आए। आपकी सारी सफरिंग का सोल्यूशन अंदर है, सिर्फ अंदर है। आपको सिर्फ अपनी अवेयरनेस से अंदर जाना है। बिग बैंग हुआ, बहुत ब्यूटीफुल बिग बैंग हुआ, साइंस ने उसको जाना। ये दुनिया आई, वो उस दुनिया को चला रहा है, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये बिग बैंग कैसा हुआ? साइंस ने बहुत डिफिकल्ट वे से समझाया, लेकिन प्रोफेसर पार्क जेवो ने तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि कैसे इस दुनिया का निर्माण किया, कैसे हम ब्रह्मा बोलते हैं, शिवा बोलते हैं, क्रिएटर है, ऑपरेटर है, और इस तरह से दुनिया को उसने क्रिएट किया। एक बहुत सुंदर और सिंपल उदाहरण, अगर हम समझ जाएं कि हम इस दुनिया में कैसे आए, उसने ये बिग बैंग कैसे किया और ये दुनिया कैसे एग्जिस्टेंस में आई, माँ की ये गर्भावस्था, उसकी डिलीवरी केस से हम बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके में समझ सकते हैं कि ये कैसे बिग बैंग हुआ। क्योंकि जो भी इस दुनिया में हम देख रहे हैं वो उसके माइंड से आया है, रॉ मटेरियल सारा वहीं से आया है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है, आप देख सकते हैं उसका ये वूम्ब, उसका एब्डोमन बड़ा होता है, क्योंकि अंदर जीव पलता है। जीरो, महाशून्य, जैसे हम बोलते हैं ये दुनिया शून्य से आई है, तो यही एक शून्य है। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि ये कैसे उसने दुनिया बनाई। ये बिग जीरो है, इस जीरो से हम बाहर आए। और उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है तो विस्फोट होता है, बिग बैंग होता है, और यही इसी क्रम से दुनिया आई। और माँ और बच्चे दोनों ने अपने मुंह को ओपन किया, एक्सपेंशन किया। इस एक्सपेंशन के साथ बच्चा बाहर आता है, ब्रह्मा जी अपना काम करते हैं और क्रिएशन होता है, और आहा मंत्रा निकलता है। ये आवाज,
ये रोना, देखने में रोना लगता है लेकिन ये तो बहुत बड़ा मंत्र है। इसी मंत्र से दुनिया क्रिएट होती है। आज आप नेचर में देख रहे हैं, ब्रह्मा जी बहुत बिजी हैं, पौधे उग रहे हैं, इंसान इंसान को जन्म देता है, जानवर पंछी, ये क्रिएशन चलता रहता है। हर चीज जीरो से आती है और बाहर आती है। सो आह के साथ ये दुनिया आई, ये ब्रह्मा फोर्स। और उसके बाद जब क्रिएशन होता है, उसके बाद जब ये बॉर्न होता है, और जब मदर मदर को एक दर्द से छुटकारा मिलता है तो फिर वो ओ बोलती है। इसी तरह से एक शिवा फोर्स जिसको बोलते हैं अब कॉन्ट्रैक्शन फोर्स आती है। जब माँ बच्चे की किलकारी सुनती है, उसकी गोद में बच्चा आता है तो उसको स्माइल आती है। और यही एक दुनिया का नियम है, क्रिएशन होता है। और जब परफेक्शन का महसूस होता है तो कितनी भी माँ ने दर्द सहन किया हो, उसके गोद में जब बच्चा आता है तो स्माइल आती है। ये स्माइल एक वंडरस स्माइल है, अद्भुत स्माइल है, बच्चे की स्माइल और माँ की स्माइल। इस स्माइल के पीछे कोई छल नहीं, इस स्माइल के पीछे कोई कपट नहीं, ये स्माइल तो डायरेक्ट जीरो वर्ल्ड से आती है। बच्चा स्माइल करता है, माँ की स्माइल आती है, तो ये स्माइल तो पर्सनल लाइफ और ये आपकी सोशल लाइफ से हटकर है। अगर हम इस स्माइल के पास, अगर ये स्माइल का एहसास हमारे हर हर वक्त हर मोमेंट में आ जाए, तो हमारे अंदर जो पावर है वो हर पल खिलती है। हमारी गुरुजी ने कहा, इस दुनिया में जो कुछ आया इसी तरह से आया, फाइनल कंक्लूजन स्माइल था, हर कण कण में वो है। हमने तो कहा, लोग कह के चले गए कि हर कण में भगवान है, तो उस कण का क्या मतलब, उस भगवान का क्या मतलब? यही मतलब है कि हर कण में वो बसता है, हर कण में वो पावर है। स्माइल लिप्स स्माइल नहीं दिखती तो क्या हुआ, पर वो हर कण में है। हर चीज इस दुनिया में जो आई है वो उसके गर्भ से आई है। और आज जो भी हम सफरिंग देखते हैं, चाहे वो मेंटल लेवल की सफरिंग हो, चाहे वो इमोशनल लेवल की सफरिंग हो, यहाँ तक कि कैंसर सेल, डायबिटीज का सेल हो, कोई बीमारी हो, हर सेल अगर वो बीमार है लेकिन उसके पीछे एक स्माइल है और उसके पीछे डिविनिटी है, उसके पीछे वो है, हर कण कण में है। यही तो स्माइल मेडिटेशन सिखाता है कि हम उस कोर को महसूस करें, उस कोर को टच करें और हम अपनी अवेयरनेस के साथ उस कोर तक जा सकते हैं। और आज हम थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे और हम उस कोर तक जाएंगे। आपके अंदर वो कोर मौजूद है, सिर्फ हम अपनी अवेयरनेस से अंदर जाएंगे। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे। और उससे पहले मैं आपको आज एक मुद्रा देना चाहती हूँ। मुद्रा विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन एक बहुत सरल टाइम को मैं देखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आपके हाथों में बहुत चमत्कारिक शक्तियां हैं, इसको मानो या ना मानो। अगर हम बोलते हैं कि वो कण कण में है, हर जगह है लेकिन वो डायरेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन हाथ एक ऐसी जगह है, शरीर में हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे अंग हैं, लेकिन हाथ ही एक ऐसा अंग है जो अपने लिए काम करता है और जो दूसरों के लिए काम कर सकता है। आपका हार्ट तो सिर्फ आपके लिए धड़कता है, आपकी इंटेस्टाइन, मेरी इंटेस्टाइन, मेरा हार्ट, ये मेरे लिए धड़कता है, आपके लिए नहीं धड़कता है। लेकिन हाथ मेरे लिए भी काम कर सकते हैं और दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। आप इन हाथों से अपने लिए खाना बना सकते हो और दूसरों के लिए भी खाना बना सकते हो। ये हाथ, इसमें असीम शक्ति है। अगर आज आप अपने दाएं बाएं देखें, जिस छत के नीचे आप बैठे हैं, जिस टेबल के ऊपर आपका लैपटॉप है, और जो कुछ आप देखते हैं, आपके घर की हर चीज को देखिए, उस हर चीज के पीछे हाथ नजर आएगा। बिना हाथ के तो वो चीज बन ही नहीं सकती। कई मजदूरों के हाथ हैं, कई वर्कर्स के हाथ हैं। ये हाथ
अगर आप देखो जित देखो तित हाथ ही हाथ, तो इसका मतलब ईश्वर ने इन हाथों को, हम मजाक में समझ लेते हैं, तो इसका मतलब उसमें उसने इसमें ताकत दिया है। और सुजोग के रूप में तो शारदा दीदी ने आपको बताया ही है। और हम कहते हैं कि हम पंच तत्वों से बने हैं और इन पंच तत्वों में एक दिन हम विलीन हो जाएंगे। यस, तो फिर ये हाथ भी वही चीज दिखाता है। हम सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ, इसको सब जानते हैं कि हमारा आज एग्जिस्टेंस है, सोल है, माइंड है, बॉडी है, लाइफ है। और यही हाथ हमें वही चीज दिखाता है एकदम करेक्ट। अगर हम इसको पढ़ना चाहे तो ये यूनिवर्स की किताब है, हमारे शरीर की ही नहीं बल्कि यूनिवर्स का ये पूरे चैप्टर्स को खोलता है। छोटे से वक्त में सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे ये हाथ, ये चार उंगलियां, एक फिंगर हमारी आत्मा के साथ जुड़ी है, एक फिंगर हमारी माइंड के साथ जुड़ी है, एक फिंगर हमारे शरीर के साथ जुड़ी है और एक फिंगर हमारी लाइफ के साथ जुड़ी है। लिटिल फिंगर सोल, इंडेक्स फिंगर माइंड, रिंग फिंगर बॉडी एंड मिडिल फिंगर लाइफ। अब हमारे शरीर में या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर अगर हम कहें कि आज हमारा शरीर बीमार है, ठीक है, लेकिन ये बीमारी शरीर पर जब आती है तो वो सिर्फ डायरेक्ट बॉडी पर नहीं आती है, इसके पीछे हमारे इमोशंस हैं, इसके पीछे हमारे थॉट्स हैं, इसके पीछे हमारा माइंड है। और अगर हम लेयर्स के ऊपर चले जाएं तो हो सकता है आज हम उदास इसलिए हैं क्योंकि लाइफ की कोई सिचुएशन हमें उदासी देती है। हमारी पर्सनल लाइफ हो सकती है, हमारी फैमिली लाइफ हो सकती है, हमारी सोशल लाइफ हो सकती है। लाइफ के सेक्टर को अभी हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं और उनकी हर तरह से डिफरेंट लाइफ है। लेकिन हाँ, माइंड के ऊपर हम बात कर सकते हैं। फिलहाल लाइफ के जरिए माइंड में आती है प्रॉब्लम और माइंड के बाद, माइंड इज रिलेटेड टू मेटाफिजिकल वर्ल्ड, माइंड से प्रॉब्लम आती है। और आप सब दुनिया जानती है कि बॉडी फॉलोज द माइंड, यस। सो अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बॉडी में भी प्रॉब्लम आती है। प्रोफेसर पार्क जी वो कहा करते थे कि अगर आज आपकी स्टमक में बीमारी है तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टमक स्माइल नहीं कर रहा है। हर सेल, अगर हम बोले बॉडी का हर सेल, ये हमारी बड़ी बॉडी नहीं है, हमारे हर सेल के पास बॉडी है, हमारे हर सेल के पास सोल है, माइंड है, बॉडी है, लाइफ है। अगर हमारे आज मास्टर माइंड में सफरिंग है तो ये माइंड की वाइब्रेशन, अगर हमारे इस मास्टर माइंड जो कि हमारा हेडक्वार्टर है, अगर यहाँ पर सफरिंग है, पेन है, तो ये वाइब्रेशन, ये पेन की लहरें, ये उदासी की लहरें, ये एंजाइटी की लहरें हमारे हर सेल के माइंड तक जाती है, हमारे पैंक्रिया के माइंड तक जाती है, हमारे यूट्रस के माइंड तक जाती है, हमारे हार्ट के माइंड तक जाती है, हमारे लीवर के माइंड तक जाती है। और फिर वो माइंड भी उदास हो जाता है और उसके बाद उसकी लीवर की, स्टमक की, बॉडी में बीमारी आती है। और फिर हम कहते हैं कि दवाई खाते हैं, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दवाइयां हमें ठीक करती हैं लेकिन अगर हमारा हेड क्वार्टर परफेक्ट नहीं हुआ तो बीमारी पलट के आती है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर टाइम नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक मुद्रा मैं आपको दूंगी, माइंड की मुद्रा, सिंपल सिंपल माइंड की मुद्रा। आप इंडेक्स फिंगर, थंब टिप, ये थंब जो है आप देखेंगे ये जीरो वर्ल्ड, कहते हैं ना मां शून्य से दुनिया आई, अगर हम ये देखेंगे ये बिग जीरो है। आप देख सकते हैं ईश्वर ने हाथ के अंदर एक किताब लिखी है, ये बिग जीरो है और यहाँ से आपका सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ आया है और सारी दुनिया आई है। तो इस बिग जीरो से ये, अगर कहते हैं ना अंगूठा को काट दिया जाए तो ये डिसेबल हैंड हो जाता है, ये जीरो वर्ल्ड का सिंबल है, ये पावर का सिंबल है। अगर इस जीरो वर्ल्ड के साथ जहां पर कामनेस रहती है, जीरो वर्ल्ड सारे इमोशंस, सारे थॉट्स के पीछे, सारी बीमारियों के पीछे एक कामनेस है और वो जीरो वर्ल्ड की कामनेस है। ये थंब उस जीरो वर्ल्ड को एक्सप्रेस करता है, तभी तो शारदा दीदी ने ऐसे बताया ना, थंब ब्रीथ, यस।
तो ये सिंबल है इस जीरो वर्ल्ड, क्योंकि हम जीरो वर्ल्ड की शांति से दूर हैं, इसीलिए सफरिंग है। तो हम अब इंडेक्स फिंगर की टिप को थम की टिप के साथ टच करेंगे। अगर आपके सामने पेन है अभी, तो आप, मैं आपको ये डॉट बनाती हूं, ये इंडेक्स फिंगर का टिप और थम का टिप, इन दोनों को आप, दोनों फिंगर में आप यही मुद्रा ले लीजिए, ओके? या बहुत सिंपल, आप अपने राइट हैंड में माइंड की मुद्रा लेंगे और लेफ्ट हैंड में बॉडी की मुद्रा लेंगे, क्योंकि माइंड अगर हार्मोनाइज्ड होगा तो उसकी लहरें बॉडी पर आएगी और हमारी रिंग फिंगर बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड से हम लीडिंग काम करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट चॉइस है। तो राइट हैंड में फिंगर टिप, इंडेक्स फिंगर टिप लेंगे और लेफ्ट हैंड में आप रिंग फिंगर टिप टच लेंगे। बस अब मुद्रा लेके मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग अपनी मुद्रा ले लीजिए, कंफर्टेबल पोस्चर पर बैठ जाइए। रिलैक्स, सांसों पर ध्यान देंगे, अपनी श्वासों पर ध्यान। आती जाती सांस के ऊपर ध्यान। ये सांस बहुत कीमती सांस। कहते हैं कि अगर आपको अपनी आत्मा की शांति को टच करना हो, अपनी आत्मा को महसूस करना हो, अपने सोल को माइंड और बॉडी के परे महसूस करना हो, तो सांसों के साथ बह जाइए। सोल और सांस की बहुत बड़ी दोस्ती है, बहुत बड़ी दोस्ती है, कभी हमने पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ना, सांस जब चली जाएगी ना, तो सोल, आत्मा तुरंत आपको छोड़ देगी, तुरंत छोड़ देगी। तो इसका मतलब आपकी सांस और आपकी आत्मा में बहुत घनिष्ठता है, बहुत दोस्ती है। अपनी श्वासों पर सिर्फ ध्यान देंगे, सांस लेने और छोड़ने की थोड़ी भी कोशिश नहीं करेंगे। वो तो वो करता है, वो आपको चलाता है, आपको थोड़ा भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखिए तो सही। सोल को महसूस तो करिए कि वो कैसे काम करती है आपके अंदर। आती जाती श्वास पर ध्यान दें, कैसे परमात्मा आपके सांस को चलाता है। और इस श्वास के साथ आपके विचारों के पीछे, बहुत सारे विचार हो सकते हैं, बहुत सारे, परिवार के, सोशल लाइफ के, कोई बात नहीं, कभी विचारों से लड़ना भी नहीं है। अगर आपने सांस को पकड़ लिया तो सोल की पावर निरंतर आपको मिलती रहेगी। इसीलिए अपने मेडिटेशन में श्वासों पर ध्यान रखना है बस, और आपकी आत्मा की पावर अपने आप खिलती रहेगी। तो कितने भी थॉट्स आए, अगर कितना भी डिफिकल्ट या स्ट्रेस थॉट आए, कोई बात नहीं, उन बादलों के पीछे, उन सारे थॉट्स के पीछे एक असीम शांति है, क्योंकि वो तो हर जगह है, वो तो हर कण में है। डिजीज के पीछे भी वो है, अशांति के पीछे भी वो है। उस बादलों के पीछे चले जाइए तो आपको एक क्लियर स्काई मिलेगा, एक शांति मिलेगी। शांति हमेशा है, लेकिन अपनी अवेयरनेस के साथ आप उस शांति के
तरफ चलते जाइए, बहते जाइए, सबके अंदर वो शांति है। बहते जाइए, बहते जाइए। अवेयरनेस एक डायरेक्शन का काम करता है। जब आप अपनी अवेयरनेस अपने थॉट्स के पीछे लेके जाएंगे, तो ये अवेयरनेस आपकी सारी एनर्जी को पीछे ले जाएगी। जहां जहां आपकी अवेयरनेस जाएगी, वहां वहां शांति भागी चली आएगी। विचारों के पीछे शांति मिली, और ये शांति, क्योंकि आपका ध्यान शांति की तरफ गया, इसीलिए जितना ध्यान, जहां भी ध्यान जाएगा वो चीज बढ़ेगी। यही तो पावर है माइंड की। सफरिंग के ऊपर रुक जाएगा ध्यान तो सफरिंग बढ़ जाएगी, लेकिन आज तो आपने शांति को पहचाना, और ये धीरे धीरे ये शांति आपके माइंड में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आपके हेड में, हर कोने में, ब्रेन में, आईज, नोज, लिप, चेहरा, जिसको हम हेडक्वार्टर कहते हैं, ये शांति की लहरें आपके हर कोने में, हेड के हर कोने में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। हर कोने में शांति बढ़ती जा रही है, और ये शांति आपके चेहरे से होते हुए आपके हेडक्वार्टर को स्माइल कराते हुए, ये शांति आपके रीढ़ की हड्डी में फ्लो होने लगती है। आपकी अवेयरनेस सांसों के साथ आपकी स्पाइन की तरफ, ये शांति, ये स्माइल आपकी स्पाइन में बहने लगती है। अभी जहां जहां अवेयरनेस जाती है, ये शांति आपके ऊपर से लेके नीचे तक बह रही है, बह रही है। अब ये शांति आपके चेस्ट में, नेक, चेस्ट, हर कोने में, हार्ट, लंग, क्योंकि हार्ट का भी माइंड है, लंग का भी माइंड है, ये शांति बहती जा रही है। आती जाती श्वास की सांस, आपकी अवेयरनेस श्वासों पर है, इसीलिए ये सांस जो सोल के साथ जुड़ी है, अनंत शांति खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। ये शांति आपके चेस्ट में, चेस्ट से होते हुए आर्म्स में, आपके हर फिंगर टिप्स तक बहती जा रही है, बहती जा रही है। इस शांति के साथ आनंद का एहसास है। ये आनंद इस दुनियादारी के आनंद से बहुत हटकर है। इस आनंद में कोई ऐसा दुख नहीं, कोई इस दुनियादारी की खुशी नहीं, परमात्मा का आनंद है, अंदर है, वो हमें चलाता है। हम उसको सिर्फ महसूस कर लें कि वो हमारे अंदर है, जो हमारे हार्ट को चलाता है, बहुत सुंदर तरीके से चलाता है। कभी वो फेल नहीं होता, जब तक हम जीते हैं आखिरी दम तक वो हमें चलाता है। कितना सुंदर एहसास, वो तो हमारे अंदर है, गहराइयों में है, और आप डूबते जा रहे हैं। जैसे कुआं, कुआं के नीचे गहराई है, ऊपर से पानी थोड़ा सा दिखता है, लेकिन अंदर तो बहुत गहरी है, गहराइयां हैं। आप अंदर जाते जा रहे हैं, शांति गहरी होती जा रही है, परमात्मा के साथ आप मिलते जा रहे हैं, आप मर्ज होते जा रहे हैं। और ये शांति चेस्ट से होते हुए अभी एब्डोमन में आ रही है। एब्डोमन, पेट, बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं यहाँ, कभी प्यार से उनको देखा ही नहीं, कभी उसे सराहा ही नहीं। कितना डेलिकेट,
कितने सॉफ्ट ऑर्गन, कितने नरम है ये ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन है ये, दिन रात काम करते हैं। आपका प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, स्माइल चाहिए। आप ये शांति जो आपके मास्टर हेडक्वार्टर से एक्टिवेट हुई है, ये शांति हर आती जाती श्वास के साथ, अवेयरनेस के साथ आपके एब्डोमन में फैल रही है, फैल रही है। स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, जहाँ जहाँ ये शांति टच करेगी, जहाँ जहाँ आपकी अवेयरनेस जाएगी, वहाँ वहाँ सोल की पावर भी जाती जाएगी। और जहाँ पर ये सोल की पावर खुलती गई, जिस अंग में भी ये सोल की पावर खुलेगी, वहाँ ये डिजीज डिसॉल्व कर देगी। सोल की आत्मा, आत्मा की वो पावर है, जैसे आप लाइट को ऑन करते हो, इसी तरीके से इस मेडिटेशन से, सांसों पर ध्यान देने से, अवेयरनेस को अपने ऑर्गन तक लेके जाने से, सोल की लाइट ऑन होती है और ये लाइट उस ऑर्गन तक पहुंचती है, जहां जहां ये लाइट जाती है, रोशनी जाती है। कितना बड़ा भी डिजीज क्यों ना हो, कैंसर जैसा सैली क्यों ना हो, वो उसके अंदर विलुप्त हो जाता है। ये शांति, ये स्माइल, ये आनंद, ये ब्लिस बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, आती जाती श्वास के साथ। आपकी ये शांति, आनंद, ये ब्लिस आपके पैरों तक जा रहा है, आपके घुटनों तक। घुटना भी दर्द हो तो चला जाएगा, शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो चला जाएगा। आपके लेग्स तक, आपके हर अंगूठे तक, पैर की उंगलियों तक ये शांति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपके पूरे वजूद में शांति की लहर, अंदर, ये आपके अंदर ही है। ये शांति आपने कहीं से भी नहीं ली है, ये तो आपके अंदर थी, माँ के गर्भ से लेके आए थे, बच्चे के रूप में, एक सेल के रूप में। ये शांति आपके साथ, आपकी सहेली की तरह आपके साथ है। सिर्फ अवेयरनेस से हम अंदर जाकर इस शांति के साथ बात करते हैं, परम आनंद की अनुभूति। ये शांति खिल रही है बहुत सुंदर तरीके से। जब खड़ा भर जाता है, जब कंटेनर भर जाता है, तो वो बाहर उभर के आने लगता है, वो रास्ता खोजता है कि कहाँ से निकले। तो ईश्वर ने इंसान को ये दिया, एक रास्ता दिया, एक टनल बनाया, और वो टनल सीधा आपके लिप्स तक जाता है। जब अंदर खड़ा बहुत भर जाता है, तो वो शांति और ब्लिस आपके लिप्स तक, आपके अंदर कोर से उठते हुए आपके लिप्स तक आती है, और वो लिप्स एक्सपैंड होते हैं, उभरते हैं। ये शांति जब बाहर आती है, तो नेचुरली आपके लिप के कोने थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। इसमें कोई आपने कठिन कोशिश नहीं की, अपने आप ही नेचुरली ये शांति उभर कर बाहर आती है, खिलती है। आपका पूरा शरीर का हर हिस्सा खिल उठता है, आपके शरीर ही नहीं बल्कि शरीर के बाहर हर हर जगह पर, जहां जहां आपकी अवेयरनेस जाती है, ये शांति और स्माइल दोनों बहती जाती है, बहती जाती है। आपका माइंड पार्टिकल, मिलियन एंड बिलियन सेल से आप बने हैं, हर सेल का माइंड है, हर सेल का माइंड है। हमें अपने हर सेल के माइंड को इसी तरह से स्माइल देनी है। जब सेल का माइंड स्माइल करने लगता है, तो डिजीज बॉडी उस स्माइलिंग माइंड के पीछे हो लेती है, और वो बॉडी स्माइल रिसीव करने लगती है स्माइलिंग माइंड से। ये स्माइल बहुत प्यारी स्माइल, ऐसी स्माइल जिसके पीछे मोरालिटी है, जिसके पीछे कंपैशन है, जिसके पीछे काइंडनेस है। ये वो स्माइल है जिसमें बुद्धा की स्माइल है,
गुरु नानक की स्माइल है, श्री कृष्णा की स्माइल है, श्री रामचंद्र जी की स्माइल है, शिवा जी की स्माइल है, हर हर देवी देवताओं की स्माइल है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, न्यूली बॉर्न बेबी की स्माइल है। ऊपर से आई है, हेवनली वर्ल्ड से आई है, और यही स्माइल जब खिलती है तो डिवाइन मेडिसिन रिलीज होती है। ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। आज जो भी आप दवाइयाँ खाते हैं, रॉ मटेरियल तो जीरो वर्ल्ड से ही आया है, लेकिन ये डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है। इसको भी ह्यूमन माइंड ने बनाया है, इसीलिए ह्यूमन माइंड भी गलती कर देता है, तभी तो थोड़े से साइड इफेक्ट आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी शांति, एक ऐसी दवाई जो अंदर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, अगर हमने उसको टच कर लिया तो हम सब दवाइयों से ऊपर। और ये मेडिसिन, डिवाइन मेडिसिन अगर एक्टिवेट हो गई तो आपके सारे शरीर में फैल जाती है और कोई भी बीमारी आपको छोड़ देती है। अगर हम इसको, इस मेडिसिन को, डिवाइन मेडिसिन को रोज एक्टिवेट करें, ये स्माइल, ये आपकी स्माइल, सोशल स्माइल से रियल स्माइल की तरफ, आउटर स्माइल से अंदर की स्माइल की तरफ ये जर्नी अगर हम जारी रखें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बीमारी तो दूर होगी होगी, उसके बाद कई चमत्कारिक चीजें आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका सोशल सर्कल, ये सारी स्माइल की वाइब्रेशन वहां तक जाएंगी। और ये आज के दौर पर जब कोरोना है, और अगर कलेक्टिव स्माइल हम ऐसी प्रोड्यूस करें तो कोरोना भी नतमस्तक हो जाता है, सारी बीमारियां नतमस्तक हो जाती है, क्योंकि ये स्माइल ईश्वर की स्माइल है। एक बार आपके होठों पर ये आ गई तो फिर इसके आगे कुछ नेगेटिव नहीं टिक सकता। आपकी शांति, आपकी स्माइल आती जाती श्वास के साथ जा रही है, और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है। आप समझ गए, यही मेरा असली घर है, यही मेरा जर्नी है, मुझे शरीर को छोड़ने से पहले। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक उसका बनाया हुआ टूल है, और इसको हमने ह्यूमन बीइंग के रहते हुए इसी जन्म में अंदर के कोर को टच करके अपनी लाइफ को खिला देना है, खिला देना है। टाइम कम है, और मैं सिर्फ आपसे अनुरोध करती हूँ कि रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करते जाएंगे इस मुद्रा के साथ, आप चेंज पाएंगे। आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान, धीरे धीरे शांति की लहर में अपने आप को मर्ज, और जब चाहे आंखें खोलने का मन करे तो खोल दीजिएगा, अपना टाइम लीजिएगा। और आप से मैं अनुरोध करती हूँ, अपनी स्माइल को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बहुत पावर है। रियल स्माइल की तरफ अपनी जर्नी को जारी रखिएगा, जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप लोग अब अपनी मुद्रा को रख भी सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, और जब भी आपको कभी भी थोड़ी सी सफरिंग का एहसास आए, तुरंत ये मुद्रा कर लीजिएगा और अपनी आती जाती श्वास के साथ थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाएगा। 5 मिनट सफरिंग सेंस को 1 मिनट भी अपनी जिंदगी में आने नहीं देना है।
दुख सुख यूनिवर्सल ड्रामा की तरह आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमको उसके साथ चिपकना नहीं है और आगे जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए जब भी शरीर की कोई तकलीफ आए, सोसाइटी से, फैमिली लाइफ से या अपने माइंड से कोई भी तकलीफ आए, थोड़ा सा 5 मिनट का मेडिटेशन उसी समय रुक के कर लीजिएगा, तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी नहीं, उल्टा आपको पावर मिलेगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अंदर से बहुत गहरे सोल्यूशन है, आपको खुद भी नहीं मालूम है। इतने सारे टैलेंट्स हैं कि आपको खुद जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो किसी कभी एक महीने के बाद आपको लगेगा कि अरे मैं तो गाना नहीं गाती थी, अब मैं गाने लग गई, अरे मुझे डांस कैसे आ गया, या मैं कविता लिखने लग गई। इतना पावर है अंदर, सारे टैलेंट्स अंदर हैं। ये जो सोल, जब हम बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक ट्यूब है जो कनेक्टेड है, सिर्फ हम रेडीनेस नहीं है। तो वो बड़ी परमात्मा से उस ट्यूब में सारे विजडम, सारी ब्यूटीज, मायरेकल आपके सोल तक आते हैं, सिर्फ हमको अवेयरनेस तक लेके जाना है। और इसी के लिए शारदा दीदी आपको आने वाले टाइम में इस आगे के सफर में आपको लेके जाएंगी, और भी गहराई। स्माइल मेडिटेशन सब्जेक्ट बहुत बड़ा, थोड़ा सा टाइम इसमें सिर्फ हमको इतना ही बता पाए, लेकिन ये सफर जारी रखेंगे। और शारदा दीदी तो इसमें है ही है, मेरी सीनियर है, और मैं उनसे बहुत ही प्रेरित हूँ, और मैं उनका बहुत ही शुक्रिया करती हूँ, बहुत शुक्रिया करती हूँ कि वो हर पल जो मुझे स्माइल के लिए मोटिवेट करती हैं, और इस मोटिवेशन के वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू सो मच शारदा दीदी, एंड आशा दीदी भी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ, और ये सुधा दीदी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अप्रतिम अभिभूत, मतलब कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन एक स्माइल की, शायद एक्चुअल जो रियल स्माइल थी जिसने हमें खो दिया था, एक शून्य को पा लिया। तो बिल्कुल सही कहा आपने, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्माइल। हर मुश्किल से ये कह दो कि अब स्माइल हमारे पास है और इससे हम हर जंग जीत सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर मेडिटेशन आपने करवाया है भूपिंदर कौर जी, एक मतलब कोई शब्द नहीं है इसके लिए, एक अविस्मरणीय अनुभूति का एहसास करवाया। अब मैं हमारी माहेश्वरी महिला समिति संस्था की पीआरओ पूनम झावर से अनुरोध करूंगी आभार प्रदर्शन। जय श्री कृष्ण। इसके बाद प्रश्न। हाँ जी मंजू, इसके बाद प्रश्न उत्तर राउंड लेंगे ना? हाँ ओके, उत्तर राउंड ले ले भाभी। हाँ आभार एक बार कर लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर कंटिन्यू करेंगे भाभी। हाँ पूनम आप कंटिन्यू करिए। जय श्री कृष्ण। मैं माहेश्वरी महिला समिति की प्रचार मंत्री पूनम झवर आप सभी का दोनों संस्थाओं की ओर से अभिनंदन करती हूँ। आभार मात्र एक औपचारिकता नहीं है, यह जरिया है यह जताने का कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज के हमारे प्रशिक्षक जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर आज हमारा उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया है, कैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज, सजग व नैसर्गिक तरीके से उन रोगों से निजात पा सकते हैं। आप लोगों का इस निस्वार्थ मार्गदर्शन से हम अभिभूत हैं। श्रीमती सुधा जी मोहता, श्रीमती शारदा जी राठी व भूपिंदर जी कौर को कोटि कोटि आभार। आभार आप सभी का जुड़ने के लिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सहयोग दिया है, उनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद पूनम। डॉक्टर पूजा माहेश्वरी आप क्वेश्चन आंसर का राउंड कंटिन्यू करें। एक हैंड्स अप दिख रहा है मुझे, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। मिसेस उषा मुदानी।
उन्हें अनम्यूट करना होगा क्या? हाँ एक्चुअली ये यहाँ से तो नहीं रहा है। अनम्यूट है वो, कर सकते हैं, मैंने कर दिया। ओके उषा जी आपका क्या क्वेश्चन है, इफ यू कैन हियर मी? नहीं ये अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ उनको को होस्ट बनाया है, उनको माइक पर क्लिक करना पड़ेगा, माइक पर प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगा।